बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है इनसाइट और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, भारत मकबूज़ा वादी में क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से तो उन्होंने इंसानियत सोज मज़ालम में हिटलर की तारीख जो है वो लोगों को भुला दी है और एक नई और दाद दीजिए उन मज़लूम निहत्थे कश्मीरियों की जो तमाम तर्ज मज़ालम बर्दाश्त करके फिर भी भारत की जो काबज़ फौजें हैं जिनकी तादाद अब एक अंदाजे के मुताबिक 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है उसका सामना कर रहे हैं। गोलियां खाते हैं, सीनों पर झंडे लहराते हैं पाकिस्तान के, नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये दुनिया को क्यों दिखाई नहीं देता? दुनिया क्यों चुप साधे हुए है और क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है? मेरे ख्याल से ये एक आलमी जुर्म है जो इस वक्त वो मगरब जो भारत को इस खित्ते में चौधरी बनाना चाहता है वो अपनी इस ख्वाहिश के आगे सब कुछ देख रहा है और बर्दाश्त किए हुए हैं। ये सारी बातें जो हैं इस वक्त कोई ढकी छुपी या कोई राज की बातें नहीं हैं। जो फुटेजेस आ रही हैं, जो दुनिया देख रही है मकबूज़ा कश्मीर में क्या हो रहा है, वो सब कुछ जो है काफ़ी है ये कहने के लिए कि भारत को अब ये अंत ख़त्म करनी होगी। क्योंकि ये तो तय हो गया कि वो जिस नौयत के मजालम चाहे कर ले, कश्मीरी अब चूंकि अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं लिहाजा उन्हें अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटाया नहीं जा सकता। काफ़ी देर की खामोशी के बाद हमारे वज़ीर आज़म जो बोले हैं तो खूब बोले हैं। मेरे ख्याल से उनके यौम सियाह के ऊपर पैगाम में कोई इबहाम नहीं है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ बारहा बर्मला मोदी को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने के इशारे दे चुके हैं, इसलिए कि उनका ख्याल यह है कि अब कश्मीर के लोगों को ना खामोश किया जा सकता है ना उनकी जद्दोजहद आज़ादी से रोका जा सकता है। यह है वो मंजरनामा नाज़रीन जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल जावेद। ये मेरे रेगुलर पैनलिस्ट तो हैं ही, लेकिन कश्मीर के मामले पर होने वाली जंगों में या शरीक रहे हैं या बहुत यानी गहरा मुशाहिदा है उनका जो कुछ भी वहाँ होता रहा है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर गज़नफर अली, ये भी मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हैं और कश्मीर के बारे में चूंकि इनकी कमिटमेंट जो है वो इनके अल्फाज से ज़ाहिर हो जाती है लिहाजा इन्हें भी हमने इसीलिए मदऊ किया है कि आज हम कोशिश करें इस प्रोग्राम में न सिर्फ ये बताने की कि वहाँ क्या हो रहा है बल्कि ये भी बावर कराने की कि भारत अब जो चाहे कर ले, कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी से ना तो हाथ धोएंगे ना पीछे हटेंगे बल्कि अब भारत को वो सब कुछ देखने के लिए आमादा और तैयार रहना चाहिए जिसके लिए शायद उसने कभी पहले सोचा नहीं था। कश्मीरियों की इस जद्दोजहद आज़ादी में हम तो उनके साथ हैं ही। कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद हम भी किसी से पीछे हैं। मैं वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की आज़ादी के बारे में, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी के बारे में हमसे ज़्यादा न किसी ने मौक़िफ इख्तियार किया है, न किसी ने इस इशू को लेके हमसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, ना हमसे ज़्यादा अखबारात में लिखा है। अगर मुझे ये दावा करने की इजाज़त दें नाज़रीन आप, तो भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार देने के बीच, वाघा का रास्ता खुलने के बीच, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस नहज तक लाने के लिए नवाए वक्त ग्रुप का जो किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि शायद कुछ लोग अपने मुफादात की खातिर नवाए वक्त का नाम लेके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्रामों से जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं, हमने अपने एडिटोरियल्स में और नवाए वक्त ने हमेशा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और मजीद निज़ामी साहब मरहूम जिनकी बरसी अब आने वाली है चंद दिनों के बाद, उन्होंने हमेशा क्या कहा है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपना इब्तदाइया बहुत लंबा कर दिया जबकि मैं ज़ाती तौर पर लंबे इब्तदाइया के ख़िलाफ़ हूँ। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और सुनते हैं उनसे कि वो इस बीच में क्या कहते हैं। जनाब साहब, एक तो मैंने ये जो कुछ आखिर में अपने बयान में कहा है आपसे मुझे इसकी ताईद इसलिए चाहिए कि आप मेरे बेशुमार प्रोग्रामों में आते रहे हैं,
आपने कश्मीर के बारे में जिस तरह चाहा है आप बोले हैं, दोनों ही मेरे मेहमान आप ब्रिगेडियर साहब, आपको भी याद होगा। लेकिन आजकल कुछ जो जो जालिम सोशल मीडिया है उसके ऊपर किसी एक आर्टिकल को लेके, किसी एक जुमले को लेके, जिसकी इंटरप्रिटेशन हर तरीके से की जा सकती है, हमारे खिलाफ एक कैंपेन जो है वो जारी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके कुछ मुफादात होंगे जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, हमें उससे तो गरज नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि कश्मीर की कॉज को लेके और भारत की दुश्मनी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारत के खिलाफ जो कुछ वो कर रहा है, जो हमारा मौकफ है, हाउ डू यू सी दैट? मैं तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि अपने स्कूल के ज़माने से मैं नवाए वक्त पढ़ रहा हूँ और बड़े ही अवायले ज़िंदगी में ही मैंने 1964 का इलेक्शन भी देखा, और सिर्फ नवाए वक्त को हम पढ़ते थे, इतना पढ़ने के काबिल तो हो गए थे, और हमने वो लालटेन लगाई हुई होती थी अपने सीने के ऊपर। ये उस वक्त का एक इश्क है और एक इज्जत और एहतराम है, जो आपको याद है कि मेरा फिर बड़ा सिलसिला रहा मजीद निज़ामी साहब से, जी जी मुलाकातें भी रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि आप के अदारा जो है, जो नवाए वक्त से जिसका आगाज़ हुआ और बाद में वक्त टीवी में उसने शक्ल इख्तियार की, और मेरा फ्रीक्वेंटली आपके पास आने का, हाज़िर होने की एक वजह ये भी है कि मैं अपनी सोच को आपकी सोच से हम आहंग पाता हूँ। आपने जो नेशनल इश्यूज़ पे स्टैंड व्यू रखा, वो उस वक्त भी यही था जब बहुत सारे लोग आपसे मुत्तफिक नहीं थे और दूसरी जानब देख रहे थे, क्रॉस बॉर्डर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, ये एक नॉर्म बनता जा रहा था, और अमन और ये आशा और अमन की बातें सिर्फ एक चैनल नहीं कर रहा था, बहुत सारे चैनल्स कर रहे थे, और अभी भी वो सांप तो गुजर गया, लकीर को अभी भी पीट रहे हैं। ठीक। सो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में तो दो राय नहीं है, यानी हतमी राय मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की वाबस्तगी का की वजह ये थी कि यू स्पीक ऑफ पाकिस्तान, यू स्पीक ऑफ कश्मीर, यू स्पीक ऑफ न्यूक्लियर इशूज़, और आपकी जो बात है अनएम्बिगस है, लाउड एंड क्लियर है, सादा और सीधी है, जो जुबान से निकलती है तो दिलों में जाती है। तो यहाँ तक तो मैं आपसे अगले सवाल का जवाब बाद में लूंगा। ब्रिगेडियर साहब, इसी हवाले से आप भी, आप अपनी मर्जी से बोलते हैं, आप बताइए कभी किसी ने आपसे ये कहा हो कि आप ये कहिएगा या ये कहिएगा, और जो आपने कहा है यहां से आप दाद लेके उठे हैं, कभी किसी ने एतराज किया हो कि आपने क्या कहा है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को प्लीज ये बताइएगा कि यहां बैठ के इस फोरम से, जो कि नवाए वक्त का फोरम है, या हमारे आप दोनों हजरात हमारे लिए लिखते भी हैं, आपको कभी यह ऐसा लगा कि कश्मीर की कॉज के हवाले से और पाकिस्तान की कॉज के हवाले से हम किसी से पीछे हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, मैं दो पहलुओं से आपके बात की जवाब दूंगा। एक तो यह है कि आपको पता है कि मैं ISI कमांडर पंजाब रहा हूँ, और जब मैंने टेक ओवर किया था तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग मिलने आए थे जिनके मैं नाम नहीं, और जो आज बहुत सारी चीज़ों के चैंपियन बनते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें चाहते थे, लेकिन मैं बजाते खुद हमीद निज़ामी साहब से खुद चल के मिलने गया था, मजीद निज़ामी साहब, इसलिए कि मैंने हमेशा, जैसे जन साहब ने कहा, मैंने हमेशा ये देखा कि नवाए वक्त एज ए अखबार, उस वक्त टेलीविजन तो नहीं था, जी जी, लेकिन नवाए वक्त ऐसे एज ए न्यूज़पेपर, और मेरी फैमिली का भी न्यूज़पेपर से बड़ा ताल्लुक रहा, मेरे जो मामू थे वो खुद एडिटर इन चीफ वगैरह रहे, तो हमारे घर बहुत सारे अखबार आते थे। तो तालिबे इल्म के ज़माने से लेके फ़ौज में होने तक नवाए वक्त अखबार सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता था, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं अपने कलीग्स की बात कर रहा हूँ, अपने मेस की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, नवाए वक्त अखबार इसलिए पढ़ा जाता था कि कायदा इसमें प्रोपेगेंडा, और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, इसमें प्रोपेगेंडा और फहाशी कम होती है, एक्चुअल न्यूज़ और सही खबर जो होती है वो पाकिस्तान के हवाले से और सच्चाई के हवाले से ज़्यादा दी जाती है। ठीक। फिर मेरा जब ये ताल्लुक इस चीज़ से रहा, और मेरा इंटेलिजेंस में भी अखबारात से बड़ा ताल्लुक रहा, हम बहुत सारे चीज़ें मीडिया के साथ आपका काफी इंटरेक्शन रहा, उनसे समझते रहे कि ये चीज़ किस तरह करनी है। तो हमने हमेशा आपके स्टाफ को भी, बाकी लोगों को भी एक कमिटेड पाकिस्तानी के तौर पर पाया, और मुझे अभी वो भी याद है जो बहुत बड़ा फकरा, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होने जा रहा था, तो आपको भी याद है, उन्होंने, मजीद निज़ामी साहब ने क्या कहा था,
प्राइम मिनिस्टर, अगर तुमने धमाका ना किया तो आवाम तुम्हारा धमाका कर देगी। तो ये किस चीज की कमिटमेंट थी कि आप धमाका करें, और धमाका क्यों हो रहा था? इन रिटेलिएशन ऑफ जो कुछ भारत ने किया था। तो अगर हम भारत के बजाय वो धमाका ना करते और इस किस्म की एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को ना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का अपना भी डिसीजन था, लेकिन आपके कलीग्स जो आपको एडवाइस देते हैं और खासतौर पर नवाज वक्त के चेयरमैन जैसे आदमी जो एडवाइस देगा उसको बहुत बाय किया जाता है। उसके बाद जब आपके साथ तालो, और मैंने बेतहाशा प्रोग्राम किए, बेताशा प्रोग्राम किए नेशनल इश्यूज पे, बेताशा प्रोग्राम किए कश्मीर पे, और बुनियादी तौर पे जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान, और जो वहाँ पे मुजालिम हो रहे हैं, और जो इस तरह वहाँ, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें इंडिया से भी स्पीकर शामिल थे, तो मुझे तो ना किसी ने रोका, ना मैंने जो बात कहना चाहिए वो कही, और वो बात उसी तरह कन्वे हुई। कभी मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं देखा कि उस बात को एडिट किया गया हो। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि जिस तरह वह वक्त है, और वक्त टेलीविजन की एक और खासियत है, हर जगह आपको हर चैनल के ऊपर, बाकी चैनल्स के ऊपर कोई ना कोई इंडियन मवाद चलता नजर आएगा जो पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहा है। कोई भी आप ड्रामा चला लें, आप बहुत सारे चैनल है वो हर हफ्ते जो है वो अवार्ड सेरेमनी चलाते हैं जिसमें हर किस्म के ड्रेस, हर किस्म की औरत, हर किस्म की मैं कहूँगा कि न्यूडिटी दिखाई जाती है, लेकिन वक्त टेलीविजन का नवाए वक्त का एक खासा ये रहा है कि इसने न सिर्फ ये कि नेशनल इकदार को, कौमी इकदार को लेके चला है, बल्कि इसने एक बहुत ही एथिक्स का जो सिस्टम है और जो एक लोग घर के अंदर के माहौल में जिस तरह चीज जानी चाहिए उसकी बड़ी पासदारी की है, और इसके लिए आप हर किस्म के क्रेडिट के लिए मुस्तहिक। नाज़रीन, मैं इस बात को बहुत ज्यादा तूल देना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि ये जो प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है वो कितने छोटे लोग हैं, इसलिए उनकी बात को के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो 5-6 साल 10 साल पीछे का अपना माजी अगर देखें और अपने गिरेबानों में झांकें तो उन्हें याद आ जाएगा, और अगर उन्हें याद ना आया तो फिर मैं उन्हें याद कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये, और आखिरी बात ये कह रहा हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि इस बात को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता हूँ, कि पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट, कश्मीर की कॉज के साथ कमिटमेंट, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कमिटमेंट, जिसकी नहीं है वो ना पाकिस्तानी है और ना मेरे नज़दीक वो मुसलमान है। इसलिए कि जिस मुल्क के हम वासी हैं, अगर उसकी बहबूद के लिए, अगर उसकी तरक्की के लिए, अगर उसके मुस्तकबिल के लिए हमारी कमिटमेंट में कहीं कोई फ़र्क है, तो हमारे कौम परस्त होने में, हमारे इस कौमियत के अहल होने में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। मैं इससे ज़्यादा इस वक्त नहीं जाऊँगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर ये बकवास बंद ना हुई तो हम भी किसी हद तक जा सकते हैं। जन साहब, आपके पास आ रहा हूँ वही सवाल लेके, मोदी जो कुछ भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, जिसके लिए हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, मुझे यह बताइए कि ये जो मगरब चुप है, ये अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा, ये नेटो को नज़र नहीं आ रहा, ये बरतानिया को भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये है तो उनका अनफिनिश एजेंडा, वो छोड़ के जो गए थे, जो नासूर वो छोड़ गए थे, जो आज तक चल रहा है। हाउ डू यू सी दिस एटीट्यूड ऑफ द वेस्ट टूवर्ड्स कश्मीर इशू? देखिए जी, मगरबी जो अकवाम है उनके रवैये में एक बुनियादी क्रूसेडर्स का तासुब है। ठीक, हम उसको जिस तरह भी उसको पेंट ओवर कर लें कि ये नहीं है या इस तरह है या उस तरह है, यानी तावीलात बेशुमार हैं, और लोग कंस्पिरेसी थ्योरी एंड इनसिक्योरिटी सिंड्रोम और क्या नाम लेते हैं, बट एक बेसिक एक इशू है कि अगर वहाँ पे 10 बंदे मारे जाएं तो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया शुरू हो गया है, इस्लाम को लिए दरवाजे बंद कर दो, और यूरोप की इस्लामाइजेशन के खिलाफ अभी एक प्रॉपर मुहिम शुरू होने वाली है कि यूरोप तो इस्लामाइज हो रहा है। सिर्फ 100 बंदों से, 1000 बंदे से, 10000 बंदे के मुसलमान बनने से अगर यूरोपियन यूनियन का पूरा इथॉस जो है वो थ्रेटन हो गया है, तो आप पहले तो एलिमेंट क्या आया कि तअस्सुब है। अगर जनूबी सूडान में थोड़े बहुत मुजालिम होते हैं, खाना जंगी होती है, तो मुल्क अलग कर दिया जाता है। इस तैमूर में अगर कोई झगड़ा हुआ है, सेपरेटिस मूवमेंट थी, तो फौरन वेटिकन भी शामिल हो गया और उसको अलग कर दिया गया। तो क्या कश्मीर के अंदर 70 साल से, ख़ास तौर पर हालांकि इनकी आज़ादी की जद्दोजहद तो कोई 150 साल पुरानी है, डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ भी, ये इनको नजर क्यों नहीं आती? तो पहली वजह है हिस्टोरिक प्रेजुडिस, तारीखी तअस्सुब नंबर एक, और उनको इस बात पे कोई शर्म या अपोलोजेटिक होता नज़र मैंने देखा नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, मुसलमान और चीज़ है, इनकी इकदार और हैं, इनके लिए इकदार भी और हैं, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से
हम पेंडुलम की तरह कश्मीर पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी हमारी चली है। 1960 में अयूब खान ने नो वॉर पैक्ट ऑफर किया जो नेहरू ने बड़ी रौनत से रिजेक्ट कर दिया। ठीक, फिर उसी अयूब खान ने 64-65 में इतनी बड़ी जंग लड़ ली कश्मीर के लिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तो ये पेंडुलम का सफर जारी रहता है। मैं मुशर्रफ साहब के दौर पे आता हूँ। ही स्टार्टेड विद आगरा और कारगिल, लेकिन ही एंडेड अप विद कसूरी फार्मूला। तो भाई आप शुरू इधर से हुए, ख़त्म उधर हुए। उसके बाद जो अभी 8 साल से जो आप देख रहे हैं उसमें हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये हकीकत है जिसकी बात कर रहा हूँ। किसी ने कहा हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए, किसी ने कहा 30 साल के लिए कश्मीर को सर्द खाने में डाल दें, किसी ने कहा बंदूकों तोपों में जंग लग जाए, किसी ने कहा ये बॉर्डर तो एक लकीर है, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो ये एक डिफरेंट। किसी ने कहा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन कर लें। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन अभी तक जिंदा है, वो कसूरी फार्मूला अभी भी कह रहे हैं जिंदा है, उसके ऊपर आगे जाया जा सकता है। तो यहां एक तो हमारी इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड पे आप देखें कि हिंदुस्तान ने 1947 में फैसला कर लिया कि जो कश्मीर उनके पास है नहीं देना, उसके ऊपर वो एक बाल भर पीछे नहीं हटे, कभी भी नहीं हटे। खा आपने लड़ाइयां की वो नहीं हटे, खा वहां पे एजिटेशन हुई नहीं हटे, खा अभी इंतफादा शुरू है 1988 का वो पीछे नहीं हटे। हम डावांडोल के शिकार हैं। आज भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा बोले, मैं भी उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मुझे 3 साल पहले के बयान भी याद हैं। तो या तो वो तारीफ भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये पिछले स्टांस से डिपार्चर है, लेकिन मैं उनसे एक सेकंड अगर बहुत खुश होता अगर वो टेलीफोन उठाते और मोदी को कहते बैक ऑफ फ्रॉम कश्मीर, बंद करो ये मुजालिम, हम तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन इन मुजालिम को एक्सेप्ट नहीं करते। हम तवक्को करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ऐसा करना ही जो है वो नेशनल एस्पिरेशन के मुताबिक है। नाज़रीन, एक बात और जो मैं सवाल लेके जाऊंगा ब्रिगेडियर साहब के पास, वो ये कि पाकिस्तान को अक्सर दहशतगर्द मुल्क इसलिए कहा जाता है कि यहाँ दहशतगर्दी होती है। वो ये भूल जाते हैं कि हम दहशतगर्दी करने वाले नहीं हैं, हम तो उनके विक्टिम हैं। लेकिन अगर इसको बुनियाद मान लिया जाए तो फिर जिन बाकी मुल्कों में दहशतगर्दी होती है उन्हें दहशतगर्द कहते हुए क्यों मौत पड़ती है? क्या भारत में दहशतगर्दी नहीं हुई? वहां 16 तहरीकें चल रही हैं आजादी की। गोल्डन टेंपल में क्या हुआ था? क्या वो स्टेट टेररिज्म नहीं था? कश्मीर में भारत क्या कर रहा है? क्या वो स्टेट टेररिज्म नहीं है? अमेरिका में अमेरिका के खुद शहरी अपने ही पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये टेररिज्म नहीं है? क्या वहां की यूनिवर्सिटियों में कत्ल होने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है वो टेररिज्म नहीं है? बर्तानिया में क्या नहीं हुआ? IRA की पॉलिसी कोई भूल गए हैं? 6 दहाइयों तक IRA के साथ और यानी आयरलैंड के लोगों के साथ क्या होता रहा? क्या वो टेररिज्म नहीं थी? मैं तफसील में जाएं तो तमाम मुल्कों के नाम ले सकता हूं जहां जहां ये होता है, लेकिन कोई उनको दहशतगर्द नहीं कहता। किसी के फुटबॉल मैच के अंदर टेररिज्म हो जाती है, किसी के ओलंपिक्स में टेररिज्म हो जाती है, सब चुप रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम जहां आता है वहां सबके पेट में मरोड़ उठने लग जाते हैं। ये रवैया क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल वही है आपसे कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है इस पर भारत को जो लाइसेंस मिला हुआ है दुनिया भर से कि जो मर्जी करें, आपको पूछने वाला नहीं है आपको, ये क्या रवैया, ये दुनिया क्या मतलब दुनिया? ये लाइसेंस तो भारत को बहुत अरसे का मिला हुआ ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हमारे इस खत्ते में बहुत बड़ी कॉन्स्परेसीज इंटरनल कॉन्स्परेसी से ख़राब हुई। और जब पाकिस्तान की इब्तदा में आप जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक जो धचका पाकिस्तान को लगा था वो जो नेहरू एडविना माउंटबेटन जो इलीगल अफेयर था ना, उनका आपस का, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था। अब वो मैं नहीं कह रहा, वो डॉक्टर ऑफ एम्पायर पमेला एडविना, उसकी बेटी ने किताब लिखी है, किताब मार्केट में आ गई है, और उसमें उसने बता दिया कि नेहरू और तो नेहरू कितना अटैच था और एडविना कितना माउंटबेटन। इसके नतीजे में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स गए, 6 डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अगर हमें मिल जाता तो कश्मीर मिलने का भी सवाल ही नहीं पैदा। मैं आपसे अर्ज करूँ, तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ ये हमारे यहाँ जो हमारे हमको जिस तरह परसीव किया गया है, अगर पाकिस्तान सिर्फ और कुछ ना करे तारीख में, तो ग्रेट सलाउद्दीन अयूबी की जो बैटल्स हैं और जरूसलम जिस वक्त ने फतह किया था ना, उस वक्त से मुसलमानों का करेक्टर उतार के पढ़ ले कि उस वक्त जिन लोगों के पास जजिया देने के लिए नहीं था उसका उनको आज़ादी दी, और सलाउद्दीन अयूबी ने अपने पास से जजिया उनका पे किया।
उसके 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 अपोजिट रिचर्ड ने क्या किया था मुसलमानों के साथ, किस तरह मसैकर किया था जरूसलम के अंदर, लेकिन जरूसलम के अंदर सारे ईसाइयों को जाने की इजाज़त दे दी गई थी, जजिया सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने पे किया था। मुसलमानों की एक तारीख है, जिस तारीख को नज़र में कोई रखता, वेस्ट उसको गर्दानता तो है लेकिन उस तारीख को नज़र में नहीं रखता जो तारीख जो है मुसलमानों की बड़े अरसे से चली आ रही। और ये जो इंडिया था, जब पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान, मैं अगर आप इजाजत दें, सरताजी जी साहब हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं। सरताजी जी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सरताजी जी साहब पहली बात तो यह है कि मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आपने ऑफ लेट जो कश्मीर के हवाले से आपका स्टांस है, जिस तरीके से आपने अमेरिकन को और यानी भारतीयों को जिस जबान में जवाब दिया है उसके लिए हम आपके मशकूर तो हैं ही, लेकिन वो सारे आपके अमल जो हैं काबिल तारीफ हैं। दूसरी बात यह कि अब अमेरिका की कश्मीर की जो पॉलिसी है हुकूमत की, वो भी मेरे ख्याल से लोगों की एस्पिरेशन के ऐन मुताबिक है। मुझे आप सिर्फ इस वक्त ये बताइए कि जो भारतीय रवैया है, जो जुल्म वो मकबूजा वादी में ढा रहा है और मुज़ाकरात से जिस तरह भाग रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, वो तो जाहिर है कि जब से नई हुकूमत आई है वो इसीलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, कश्मीर से बात करना पड़ेगी, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। लेकिन अब जो हालात वहां पैदा हुए हैं उसमें दो तीन नई बातें हैं। एक तो ये कहना कि जी कश्मीर का कोई मसला नहीं है, बाहर से दहशतगर्दी हो रही है, ये सबको मालूम है कि ये बिल्कुल इंडिजिनस मूवमेंट है और इसमें नौजवान शामिल है, 15-18 साल के बच्चे, तो वो तो दहशतगर्द नहीं है ना कि ये दहशतगर्दी हो रही। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि उन्होंने ये भी देख लिया कि सिर्फ ताकत के जोर पर वो ये जो खुदरादियत की पूरी मुहिम है और उनकी जदोजहद है, इसको कुचल नहीं सकते। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि हम जुल्म भी सहने को तैयार है, और अब तो हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही कि इसका इलाज जो है सियासी होना चाहिए, ताकत के तौर पर नहीं होना। मुझे ये बताइएगा सरदारजी साहब कि एक कश्मीर कमेटी बनी हुई है हाउस की, उसके बारे में आपकी मुझे राय चाहिए कि आप समझते हैं कि वो कश्मीर कमेटी अपना वो काम उस तरह से कर रही है जिस तरह से उसे करना चाहिए, और दूसरी बात क्या अब आप समझते हैं कि इतना मवाद अब मौजूद है और इतना भारत ने जुल्म वहां डाल लिया है कि यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर आप दोबारा इस कश्मीर के इशू को ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं? देखिए नहीं, उसमें दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो यह है कि कश्मीर कमेटी की 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है जो लाहे अमल तैयार करे जिसके लिए दोबारा मिले। उसके बाद जो अगला मसला है वो ये है कि हमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, तो जाहिर है कि हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास भी जा रहे हैं, OIC की भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके पास भी जा रहे हैं, और उसमें हमारे दो मुतालबे हैं। एक तो ये है कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें वो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अपने रिपोर्टियर हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां के हालात देखते हैं, तो उनके साथ और मेंबर जा सकते हैं। अब इंडिया इनको अलाउ करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन कम अज कम वो फैसला करें कि हम भेज रहे हैं और मुतालबा करें कि हम भेज रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने छड़ों की बंदूकें इस्तेमाल की हैं जिससे 100 से ज्यादा लोग अंधे हुए हैं, ये बड़ी गैर इंसानी राय अमल है कि आप इस तरीके से लोगों को, ये तो मौत से बदतर चीज है जो आप कर रहे हैं, तो उस पर बैन लगना चाहिए कि अंधा क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए जो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज का, आप उन पर इस तरीके से, तो ये दो हमारे मुतालबात हैं। सरदार साहब ये फरमाइएगा, आपने जो सवाल पूछा जी जी, वो यूनाइटेड नेशंस में है, वो हमने सेक्रेटरी जनरल को भी कहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन को भी कहा है, और वो डॉक्यूमेंट हमारा जो है वो सर्कुलेट हो गया है, ताकि अब उसका जो नतीजा है कि तमाम दुनिया हिंदुस्तान पर यह दबाव डालेगी कि अगर ये मसला है तो आप बातचीत करें इस पर, बगैर बातचीत किए इसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते इतने बड़े जो हालात वहां में पैदा हुए हैं। तो आप देखेंगे उसका क्या रिएक्शन आता है और हम ये मुहिम जो है इसको मजीद तेज करेंगे आने वाले। मेरा आखिरी सवाल आपसे सरताज साहब ये है कि जो भारत ने वहां जो फौजें मौजूद हैं मकबूजा वादी में, उन्हें जो स्पेशल पावर्स दी हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती तारीख के अंदर, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? ये असल में सिर्फ पावर की बात नहीं है, ये बड़ा संजीदा मसला है, क्योंकि वहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए कोई एक नहीं बल्कि 4-5 उनके कवानीन है, 11 जो मेरा ख्याल है कि दुनिया के, एक तो स्पेशल पावर एक्ट है ना सर, बहुत सारे हैं जी, 5-6 भी है और ये मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी, तो उसमें उन्होंने इस रियासी दहशतगर्दी को लीगल कवर फराहम किया। तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना
कि आप ये कर रहे हैं, बल्कि वो जो लीगल फ्रेमवर्क है वो दुनिया के जो बैन अवी कवानीन है ह्यूमन राइट्स के उनकी खिलाफ वर्जी है। तो ये भी एक इश्यू है जो हम उठाएंगे कि ये सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं हो रही बल्कि उनके जो कवानीन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इख्तियार देते हैं इस किस्म का जो कि किसी तरीके से बैन अवी उसूलों और कवानीन के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब आपने सुन लिया सरदार साहब ने क्या कहा, इस पर भी आप मुनासिब कमेंट जहां हो करें। फिर मेरा सवाल वही है आपसे जो आप बात कर रहे थे। तो वो जो हम बात कर रहे थे उसमें चूंकि बात हो रही थी मुसलमानों के स्पेसिफिक, तो अब मुसलमानों का तो जो चीज़ें जो चीज़ है उसमें आपने इराक देख लिया, लिबिया देख लिया, सीरिया देख लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बरतानिया का जो टोनी ब्लेयर की जो स्टेटमेंट थी इराक के बारे में, और उसके बाद उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अभी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जी मैं आज तक अपने एम्बेरस हूँ और अपने आप को जमीन पे बोझ महसूस करता हूँ कि इराक के पास WMD नहीं थे और हमने टोनी ब्लेयर को सपोर्ट किया जिन्हें पूरी मुल्कों में घूमे। अब वहाँ पर एक इंक्वायरी भी हो रही है किटीक इंक्वायरी इराक के बारे में, और उसमें वो ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि टोनी ब्लेयर पे, बुश पे, डोनाल्ड रम्सफील्ड पे और इन लोगों पे दहशतगर्दी का और बल्कि वॉर क्राइम्स के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और इन तमाम चीज़ों को देख के अभी आपने अल जजीरा पे जो सैमुअल हर्ष का जो इंटरव्यू आया था वो भी आपने सुनूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड रम्सफील्ड ने और इन्होंने एक स्पेशल किलिंग स्क्वाड बनाया हुआ था जनरल मैक्रिस्टल के अंदर जो काम करता था, जो दुनिया में जाके असैसिनेशन करता था अफगानिस्तान में, जिस तरह प्रेग्नेंट औरतों को ये जे सॉक ने रात को जो है अटैक कर हमले करके उठाया और उसके ऊपर बहुत सारी एक गिल्टी वॉर मूवी बनी, एक ब्रिटिश साफी थे, एक अमेरिकन साफी था, उसने उसको परसू किया। उन्होंने ये कबूल किया कि अमेरिकन जो है वो अपना जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। इराक की अबू गरीब जेल का हाल आपको हाल याद हो, आपने सुना, उसकी दीवारें अभी तक रोती। तो ये टोटल ट्रीटमेंट है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई आज का अखबार पढ़ के जिसमें कहा जा रहा है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद के खिलाफ एक अमेरिकन ट्रेड ब्रिगेड लड़ रहा है। यानी अब हालत यह है कि दुनिया की महज़ब ताकतें स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व हो गई हैं। टेररिज्म तो पहले कहते थे थर्ड पार्टी टेररिज्म है, नॉन स्टेट है, अब तो स्टेट्स टेररिज्म कर रही है। जब आप इराक में, जब सीरिया में लोगों को मार रहे हैं तो स्टेट टेररिज्म नहीं है तो और क्या है। तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक चीज है ये इंटेंशनल है, और इसी की रिफ्लेक्शन आपको कश्मीर में नजर आती है कि अगर ईस्ट तैमूर का मसला हल हो सकता है तो कूफी अनान जब पाकिस्तान में आके ये कहता है कि जी कश्मीर का मसला तो फॉल ही नहीं करता UN के मैंडेट के अंदर, क्यों नहीं फॉल करता। बात हुई है क्योंकि कश्मीर में मुसलमान रह रहे हैं, इराक में मुसलमान रह रहे थे, अपना लीबिया में मुसलमान थे, सीरिया में। अब आप ये देखिए इन तीनों जगहों पर दुनिया की वर्ल्ड पावर्स की इंटरफेरेंस के बाद हालात ठीक हुए या खराब हुए। तो ये जो तबाही और बर्बादी मुसलमानों के खून से की जा रही है पूरी दुनिया, इसकी एक रिफ्लेक्शन कश्मीर है। अब कश्मीर में एक शख्स आ गया जिसका नाम मोदी है, उसको गूगल ने परसों दुनिया के 10 बड़े दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर लिया। कौन आ गया, आपने किसका नाम लिया? मोदी, होशी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको गूगल ने 10 लीडिंग टेररिस्ट की उसमें शामिल कर लिया। हकीकत निकल आती है, अब इंडिया उसको गूगल के मालिक को कॉल करे जो करे, लेकिन दुनिया ने ये कह दिया बर्तानिया में, बर्तानिया की कैबिनेट के पार्लियामेंट के बिल्डिंग के बाहर ये लिख दिया मोदी इज अनवर्कर बिकॉज ही इज अ बॉर्न टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड। खुद भूल गया कि उसने खुद उसमें मुकदमा है। भारत से बड़ा टेररिस्ट टेररिस्ट और इसराइल से बड़ा टेररिस्ट तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब इसराइल को कौन सपोर्ट करता है, भारत को कौन सपोर्ट करता है, भारत के साथ कौन इकोनॉमिक ताल्लुकात कायम करना चाहता है, भारत की मंडी में कौन आना चाहता है, 52 माहदे किसने किए। जब ये तमाम चीजें होंगी और इसराइल जब कोई जुर्म करेगा फलस्तीन में हुआ तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट अमेरिकन ये लिखेंगे कि इसराइल को इख्तियार है कि वो अपने दिफा में जो कुछ मर्जी करे, तो ये चीज एक इंडिकेट करती है कि मुसलमानों का खून सफेद है, बाकी दुनिया में रहने वाले जितनी आबादियां हैं उनका खून लाल है, उसमें रेड ब्लड कॉर्पसल ज्यादा है, इसलिए UNO भी खड़ी हो जाती है और UN के बाप भी खड़े हो जाते हैं। UNO को तो रिडंडेंट कर दिया, लेकिन किसी का पेट जो है वो खून जो है वो ब्लीड नहीं करता फॉर द कश्मीरी। नाजिन एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरा प्रोड्यूसर जो है ना ये बड़ी जालिम चीज है, मुझे कान में कह रहे थे कि जितना ही टेररिज्म अमेरिका करता है दुनिया भर में वहाँ एक बाकायदा वजारत होनी चाहिए जो इस टेररिज्म की वजारत हो। भोला बादशाह है वो, उसको ये पता नहीं है कि CIA और क्या करता है, ये पेंटागन जो है और वो क्या करता है, होमलैंड सिक्योरिटी क्या करता है, ये सारी टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले अदारे ही तो है ना। तो इसलिए अपनी लाइलमी का मातम करो और आपको पता होना चाहिए वहाँ कौन कौन टेररिज्म को देख रहा है। जन साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ ये सवाल लेके
کہ یہ میں نے سوال پوچھا تھا بریگیڈیئر صاحب سے, وہ باوجود جو کہ گفتگو کسی اور طرف نکل گئی, وہ یہ کہ ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے میں ایک منٹ لگاتے ہیں یہ سارے, وہ چاہے یونائٹڈ نیشن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. ہمارے ادارے تو ویسے ہی جیسا فرما دیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ او آئی سی کو تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, یہی عرب لیگ کا بھی ہے, یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو امریکہ بہادر انہیں کہتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن؟ جی میں اس میں اپنی کمی کو بھی بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں, اپنے اندر کی کمزوری. ٹھیک, کیونکہ جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ ہوسٹیج ہے امریکن لارجسٹ کا, کیونکہ وہاں رہتے ہیں, وہیں پہ پڑھتے ہیں, وہیں پہ بچے ہیں, وہیں پہ املاک ہیں, وہیں پہ گھر ہیں, وہیں پہ سب کچھ ہے. سٹیک پر یہاں کچھ ہے ہی نہیں, سارے سٹیکس باہر ہیں. صرف اسائنمنٹ پہ آتے ہیں کہ تم 3 سال کے لیے چلے جاؤ, تم 5 سال کے لیے چلے جاؤ, پھر جب وہاں سے تپش محسوس ہو عوام کے ریئیکشن کی, کم بیک ٹو اس. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک مینجمنٹ ٹیم ہے وہ بھی سب باہر سے درآمد ہوتی ہے, وہ بھی یہاں پہ آئی ایم ایف سے آتے ہیں, ورلڈ بینک سے آتے ہیں, چاہے معین قریشی ہو, چاہے آپ کا شوکت عزیز ہو, آپ کا شعیب قریشی بہت پرانا اس سے 70 سال پہلے کا ہو, غلام محمد ہو, محبوب الحق صاحب, چوہدری محمد علی ہو, محبوب الحق ہو, اگر آپ نام گنتے جائیں گے تو صفحے کے صفحے کالے ہو جائیں گے. تو یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اکنامک مینیجر کے امپورٹرز ہیں. جی ایگزیکٹلی, ان کے ادھر سے دوسری جگہوں پہ ان کے ہٹ مین جاتے تھے, یہاں موجودہ ہٹ مین یہیں پڑے ہوئے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ اس کو اوور کم کرنا ہے پاکستان کے اندر. اس کو آپ چارٹر آف پاکستان کہہ لیں, کچھ اور کہہ لیں, ہمیں 5-6 چیزوں پہ کلیئرٹی چاہیے, کنسنسس چاہیے. پہلا, ہندوستان سے ساتھ کیسے تعلقات ہونا چاہیے, پھر اس کو اپ گریڈ کر. کشمیر پہ کیا کشمیر کی کاز کی کاسٹ کے اوپر ہندوستان سے آگے بڑھا جا سکتا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا انہوں نے, یہ بنیادی سوال ہے, بنیادی سوال ہے. جب ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جب تک نہیں ملتا ہمارا ایجنڈا پاکستان کا جو ہے وہ نامکمل ہے, تو کیا ہم اس میں بلیو کرتے ہیں؟ جیسے زبانیں بولتی ہیں, کیا دل بھی اسی بات پہ دھڑکتے ہیں, کیا ذہن بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑی محیب منافقت ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کریں. جہاں پہ زبان ہے وہاں دل رکھیں, وہیں پہ سوچ رکھیں, آپ یکسو ہو جائیں گے. اس ایشو پہ افواج پاکستان ایز این انسٹیٹیوشن ہمیشہ سٹیڈ فاسٹ رہی ہیں, وہ اینٹی انڈیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے انڈیا کے لیے تو تیاری کی ہوئی ہے, تو اس میں جنگ اور امن کی بات نہیں, بات تو تیاری کی ہوتی ہے. اگر آپ تیار ہوں گے, طاقتور ہوں گے, نیوکلیئر پروگرام اچھا ہوگا تو جنگ رک جائے گی, ڈیٹر ہو جاتی ہے. اگر آپ ویکنیس کا اظہار کریں گے تو پھر جنگیں پسلط ہو جاتی ہے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کشمیر کے اوپر بھی افواج پاکستان اور عوام, ان کی سوچ یکسو ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے گھاس کھا لیں گے, فاقے کر لیں گے, فاقے تو ویسے بھی کافی ہیں, مصیبتیں جھیل لیں گے, لیکن کشمیری بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ابھی ہوا یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک جو 1988 میں بالخصوص ابھری ہے, وہ ابھی تک جاری ہے, یہ دوسری نسل آ چکی ہے, یہ بتا رہے تھے, یہ ساری انڈیجنس 18-20 سال والے انڈیجنس ہے. ابھی وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں, ہماری پالیسی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. 2 سال پہلے ہم ادھر جا رہے تھے, کشمیری کھینچ کے پھر ہم اپنی طرف لے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اپنی اس کو آج کو نقطۂ آغاز سمجھیں, ایک نئی اسٹریٹجی وضع کریں, نئی پالیسی وضع کریں, اے پی سی بلائیں, سب کو کمٹ کرائیں, سب کے انگوٹھے لگوائیں اس کے اوپر کہ دس از آر کشمیر پالیسی فار نیکسٹ 10 ایئرس, اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. پھر اپنے تمام سٹیٹ آرگنز کو اسی کے مطابق ایکچولائز کریں. یہ فورن آفس کا کام ہے, یہ افواج کا کام ہے, یہ بزنس مین, اچھا بزنس مین الگ ہی بھاگا جا رہا ہے, اس کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کی پالیسی کیا ہے. وہ ایم ایف این کے چکر میں پڑا ہوتا ہے, وہ ناکام ہو گیا, پھر میڈیا کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی رین ان کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو تو مل کچھ نہیں رہا, مودی تو آپ کی سن ہی نہیں رہا, تو آپ ہوا میں اکیلے ہی تالیاں بجا رہے ہیں, تو یہ قوالی تو نہیں چلے گی. میڈیا کے اوپر کنٹرول چاہیے. پھر بہت سارے لوگ ڈسینڈ ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر باہر سے, یہ اسائنمنٹ والے جرنلسٹ ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے, آپ کون سا ایجنڈا لے کے آئے ہیں. دیکھیں نا, آپ جیسے اچھے ادارے جو ہیں, اور میں برملا یہ کہہ رہا ہوں, میں کبھی کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرتا ہوں, بٹ دا فیکٹ از کہ اس ادارے کے ساتھ لوگوں کی وابستگی کس بات پہ ہے؟
कि जो आवाम चाहते हैं आपने उनकी आवाज बन के दिखाया पिछले 70 साल से, इट्स नॉट टुडे, आज की बात नहीं हम कर रहे। सो इशू ये है, उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं हमारे नेबर्स। हमारी ऐसी एक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। अब चाइना के साथ बड़े अच्छे तलाकात हैं, अफगानिस्तान पे हमारी पॉलिसी बहुत तहम्मुल की है, दिस इज द राइट अप्रोच, क्योंकि उन्होंने हमारे बगैर वो सांस नहीं ले सकते, हमें जब जी चाहेगा हम टैब जो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? ईरान के साथ तलाकात बेहतर करने की जरूरत है। आज तुर्की का और दवान की मिसाल ले लें कि जो ही उन्होंने महसूस की कि तपश CIA से आ रही है, ही वेंट टू रशिया। जो ही पता लगा कि CIA के पीछे कौन है, उन्होंने कहा जी इनके जो मौजूद हैं उनके पास चले इसराइल। जो ही उन्होंने देखा कि आज फिर ये हालात हुए, उन्होंने कहा ओपन अप लाइंस विद ईरान, ये लेटेस्ट है। नाउ होता क्या है कि आप एक तरफ फोकस करें, बाकी सरहदों को काम डाउन कर दें। इशू इस वक्त ये है कि CPEC इसी एरिया से गुजर रही है, गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगी, बाकी बल्कि आजाद कश्मीर के बुर्जल के ऊपर से भी उसने आना है। ठीक, इट इज टू क्लोज टू इंडिया। हमने अपना पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी को इंडिया की तरफ धकेलना है। अगर हम फिजिकली नहीं धकेलते, आज मैं फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, साइकोलॉजिकली और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से और डिप्लोमेटिकली और मीडिया की परसेप्शन मैनेजमेंट। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि कश्मीरी हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं नून लीग को कि वो जीत गई आजाद कश्मीर में। अभी हमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अमली तौर पे फिर होता हुआ नजर आना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट कह दिया, अभी अमल भी नजर आना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो हम जारी रखेंगे आखिरी मरहले में जो इसके बाद शुरू होगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि जनरल साहब ने अपनी गुफ्तगू में मीडिया का जिक्र किया है कि मीडिया की भी एक नेशनल कॉज होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि ये किसी वक्त तकमील को पहुंचे, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप देखिएगा कि भारत को नाक के चलने चबवाने के लिए कितना आसान हो जाता है काम। हम वापस आएंगे तो मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे, और दूसरा ये कि मेरे दोनों मेहमान जो हैं वो एक बहुत स्ट्रांग आर्गूमेंट उनका होता है कि पाकिस्तान की आर्मी आज वॉर हार्डेंड आर्मी है। जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमसे ज़्यादा भारत की वीकनेसेस को कोई नहीं जानता। इस पर बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वक्त तो हमेशा कम होता है, इसलिए कि मौजू इतना बड़ा है अपने अंदर कि इसके ऊपर तो प्रोग्राम्स आफ्टर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कई कई सेशन हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो ये सेशन करते रहते हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। जन साहब, आपने मीडिया की बात की है, मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन पहले चलता हूँ मैं ब्रिगेडियर साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब, मीडिया की बात तो आप भी करते रहते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जो है न सिर्फ कश्मीर कॉज को बल्कि पाकिस्तान की कॉज को और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से खास तौर से पहुंचता है, बैठ के भारत का या दिफा करने लगते हैं या उनकी कॉज को लेके आगे चलते हैं। वजूहात क्या हैं? इस पर तो आप अक्सर कह चुके हैं और कोई दो राय नहीं है कि जब तक फंडिंग ना हो इस तरह के रवैये ना क्रिएट किए जा सकते हैं ना उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। आई वॉन्ट टूडे टू से इट, मैं मीडिया से ताल्लुक है मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पर कि मैंने आज तक कभी पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की कॉज के खिलाफ कभी कोई बात की हो। आप खुल के मुझे बताइए कि आप समझते हैं कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है इस बेहिसी का जिसका आज हमें सामना है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अपना सोनिया गांधी का एक बहुत बड़ा मशहूर कॉल आपने बात सुनी होगी, उसने कहा था हमें पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसलत करने की ज़रूरत नहीं, अगर हम सोशली उसको ख़रीद लेंगे और मीडिया के ज़रिए उसको जहनों को ख़रीद लेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे। ठीक। दूसरी बात यह कि इंडिया में PhD के स्टूडेंट्स को एक थीसिस पढ़ाया जाता है, और थीसिस का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि इंडिया के ऊपर जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो वेस्ट से आए हैं, उन्होंने कैप्चर किया, दिल्ली में आए, दिल्ली में उन्होंने हुकूमत की, और कुछ अरसे बाद वो दिल्ली में या हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर मुदगम हो गए। तो पाकिस्तान भी सब कॉन्टिनेंट में एक नेचुरल क्रिएशन है, तो ये भी कुछ अरसे तक रहेगा, और नौज़ो बिल्ला अल्टीमेटली ये उनको जिसके ऊपर वो कायम है कि जी जब वो भारत माता और भारत धरती की बात करते हैं, इसके साथ साथ वो अपने रवाबित जो बढ़ाते हैं वो डायरेक्टली ये कह के नहीं बढ़ाते कि जी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, जो 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 सोशल सर्कल उसमें आपके कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आपकी कुछ कोलेबोरेशन आती हैं जो कल्चर के नाम पर होती हैं, जो तालीम के नाम पर होती हैं, जो दोस्ती के नाम पर होती हैं, जो अवार्ड्स के नाम पर होती हैं, जो एम्बेसीज के फंक्शंस के नाम पे होती है। अब आपको बेताशा लोग पाकिस्तान में ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने बांग्लादेश में जाके अवार्ड एक्सेप्ट किए,
उनका क्या बिहेवियर होगा यहाँ आके, पैसे जब लेके आए हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड किया। अगर अगर आप भारत की जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें उठा के पढ़ें, ईस्ट पाकिस्तान, वो कहते हैं जो जिसने लोग ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी माने, अगर उनको ईस्ट पाकिस्तान के या बांग्लादेश के ज्योग्राफी पे तकसीम कर दें तो इतने बंदे नहीं मारे जा सकते। तो एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई जिसको हमारे यहाँ भी कुछ मीडिया के लोगों ने सपोर्ट किया। फिर यहाँ से बहुत सारे लोग गए, उन्होंने चर्चों मंदिरों में जाके घंटियाँ बनाई, बाल ठाकरे की गोद में बैठे तस्वीरें बनाई, ये भी लोग हैं, ये पाकिस्तान में आके परसेप्शन फैलाते हैं, ये उस वक्त आके मीडिया पे बैठ के बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर के नाम पे, एक बाबरी मस्जिद के बारे में लोगों ने यहाँ बैठ के कहा कि वो मंदिर था, तो अब दूसरी बात ये है, ये कहा। अब उसके बाद आप देख लें, आपके एक एम्बेसडर अमेरिका के थे, उन्होंने एक किताब लिखी है अभी रिसेंटली, हुसैन हक्कानी साहब, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, उनको आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया, एक पार्टी ने लगाया, एम्बेसडर लगाया, उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, वो यहां से चला गया। इस किस्म के बेताशा लोग आपको मिल जाएंगे जो मीडिया का इस्तेमाल करके जब उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो वो पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ते नहीं। अगर उनकी जो एक्टिविटीज और उनकी जो थिंकिंग है उसको एक नेशनल, यानी आप इंडिया में 34 चैनल हैं, 34 चैनल्स को रॉ कंट्रोल करती है, धमाका होता नहीं है, इंसिडेंट होता नहीं है, आप उठा के देख लें ताजमहल होटल वाला, आप उठा के देख लें अपना अभी उधमपुर में हुआ था, अभी इंसिडेंट को हुए एक घंटा नहीं होता तो आपको 34 चैनल्स पे एक स्क्रिप्ट चलता नजर आता है। एक घंटे के अंदर उन्हें पता चल जाता है अजमल कसाब कौन है, एक घंटे के अंदर उनको पता चल जाता है उनका टेलीफोन नंबर क्या है, एक घंटे के अंदर उनको पता चल जाता है बोट किस तरह आई है, एक घंटे के अंदर उनको पता चल जाता है लोग क्या हैं। दुनिया में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं दावा करता हूं, कोई अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की, ऑस्ट्रेलिया की, आप निकाल के दिखा दे जिसको एक घंटे के अंदर जब ऑपरेशन हो रहा होता है एक्टिविटीज पता चल जाए, डिटेल्स पता चल जाती है, उनको फीड किया जाता है और वो 34 चैनल एक ही लाइन लेके आगे चलते हैं। हमारे ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, इंसिडेंट ताजमहल का उधर होटल में हो रहा था, यहां से वैनें उठती हैं और अजमल कसाब को ढूंढने के, तो ये पाकिस्तान के कॉज से मुखालफत नहीं है तो और क्या है कि आप ये सवाल साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो उधमपुर में से जो बंदे ने फोन किया वो फैसलाबाद के अंदर ही है, जब उस घर में जाते हैं तो ना कोई माँ होती है ना, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश, तो ये क्या ज्यादती नहीं है पाकिस्तान के कॉज के साथ? ये अगर कहना कि भारत और इंडिया एक ही जैसे और हम एक जैसे, आलू गोश्त नहीं, हिंदू गोश्त नहीं खाता, आलू जरूर खाता है, गोश्त नहीं खाता, ये कहना ही गलत है। तो ये जब आप परसेप्शन देंगे और ये परसेप्शन नेचुरली मीडिया के थ्रू कन्वे होगी तो मीडिया को अपने आप को सिंथेसाइज नहीं करना। अब हम बहुत सारे चैनल पर आप ये फरमा रहे हैं बघेड़ी साहब कि जो मीडिया का ऑनस्लॉट है भारत का, उसका ना सिर्फ हमने जवाब नहीं दिया बल्कि हमारे अंदर ही कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जिन्होंने उसको आगे प्रोजेक्ट किया है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर। आप देख लेना पाकिस्तान की आईएसआई पे कितने इल्जाम लगे, दुनिया ने कहा, लेकिन उसके ऑन द कॉन्ट्ररी सच हमेशा सामने आ जाता है। जिस वक्त नंगे हुए जिस भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिस वक्त उन इंटेलिजेंस एजेंसी की तथहीर की गई और ग्रेडिंग की गई तो कहा गया आईएसआई सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। वो तो सारा बिहार का, बिहार में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जो नीतीश कुमार का मिनिस्टर है, उसने आउटराइटली बयान दिया था कि भारत के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोग एक एनलाइटेड मॉडरेशन के तौर पे बहुत सारे ऐनक पहन के बैठे होते हैं, वो कहेंगे कि हर चीज जो है वो भारत के हर चीज, इसलिए कि उन्होंने फ्लैट खरीदने हैं वॉशिंगटन में। तो जब इस किस्म की चीजें होंगी, जब आपने अमरीका में फ्लैट खरीदने होंगे, जब आपने ट्रैवल करना होगा, यही विजन होगा। कल जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, उसने बड़ी जहर अफशानी की है पाकिस्तान के बारे में। एक तो उसने ये कहा कि जी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दूसरा उसने कहा कि जी बेपनाह इल्जाम उसने लगाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यू आप कैसे उसका जो ये बयान है उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, हाउ डू यू सी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट? जी मैं पहले तो एक लम्हे के लिए कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान की जो सकाफ़ती यादगार थी उसके मुहिद और मावन हम हैं, अवाम भी हैं, मीडिया भी है और हुकूमत भी है। आई एम सॉरी टू से, ज़ियाल हक साहब के ज़माने में VCR ईजाद हुआ था, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था और बेपनाह हिंदुस्तानी फिल्में बिकती थी यहाँ दुकानों पे और देखी जाती थी, ये नुक्ता आगाज़ था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने हिंदुस्तान की फिल्मों को यहाँ आने की और रिलीज़ होने की इजाज़त दी, अपनी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वजाहत कर दूँ कि पाकिस्तान के
किसी कानून के मुताबिक कोई इंडियन फिल्म पाकिस्तान के साथ अभी भी जब आपकी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव करने की कोशिश कर रही है फिर इंडियन फिल्में आगे बैठ जाती हैं, दो चीजें, फिर ये ताइफे जो हैं, मैं दूसरा लफ्ज नहीं कहता हूं, बड़ी आने जाने वाले हैं, अभी अजोका थिएटर लेके फिर मदिया गौहर वहां गई हुई है, वो कश्मीर तो जा नहीं रही, उधर चली गई है, फिर वहां ड्रामे करने, उधर से कोई पीरजादा आ जाएगा, इधर से कोई कलवंत सिंह चला जाएगा, वहां से फिर फरोज खान आ जाएगा, तो ये भी जारी है। तीसरी चीज क्या है कि हिंदुस्तान की एंटी पाकिस्तान फिल्में जो पाकिस्तान में बैन होती हैं वो हमारे केबल नेटवर्क वाले जो शरफा हैं वो दिखाए जा रहे हैं बिला झिझक, उन पर कोई पैमरा बोलता ही नहीं, उस पर बोलता है ना कोई, राइट। अभी एक बड़ी फजूल सी फिल्म है जो मैंने तो कभी देखी नहीं है, बाजीराव मस्तानी, ये बैंड है पाकिस्तान में, सारी केबल वाले इसको दिखा चुके हैं, कई दफा दोहरा चुके हैं, उसके सॉन्ग्स एंटी मुस्लिम है, उसके डायलॉग्स एंटी मुस्लिम है, चल रहा सिनेमा घर में चली चल ठीक हो गया जी। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे अखबारात, रसायल, मैगजीन्स खास तौर पे 10-10 सफ़े हिंदुस्तानी एक्ट्रेसों, एक्टरों, उनकी बदमाशियों, फहाशियों, उनकी सवाने नगार जो सवाने हयात हैं ऐसे बताई जा रही हैं जैसे नेल्सन मंडेला की दिखाई जा रही है। सही बात तो है। आप अपनी कौम को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं सुषमा स्वराज पे। सुषमा स्वराज के तीन मुँह हैं, वो त्रिमूर्ति उनका रंग है और तिरंगा उनका तीन रंगों वाला झंडा है, वो तीन फेस वाला इंडिया है, मुनाफ़कत के वहां तीन मब्बे हैं, वो जो कहेगी मुझे उसके ऊपर कोई अचंभा नहीं है। लेकिन आपने कभी देखा है अगर कोई खुदा न खासा कहीं इधर आ जाए और जिस तरह झूम झूम के लपक लपक के झपक झपक के हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर हाथ छोड़ते ही नहीं है, वो बेचारी कहती है बस करो, हम कहते नहीं महाराजा आप तशरीफ लाई है हमने हमारे घर में तो कमाल महारानी के, ये उनकी सेक्स तो महारानी है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक एहसास कमथरी है जो विजिबल है टीवी पे, मैंने अपनी तरफ से इमेजिन तो नहीं कर रहा हूं कि इंडिया की हर चीज बेहतर है, इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया आपसे सिर्फ 4 गुना बड़ा मुल्क है, इंडिया सिर्फ आपसे 2 गुना बड़ा एक मिलिट्री पावर है, इंडिया की अगर इकोनॉमी बड़ी अच्छी है तो 1 अरब और 20 करोड़ का बोझ उसके ऊपर है जो 70% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो इंडिया की अगर अचीवमेंट है तो बड़ी है, उसका भी तस्करा कर दे, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनसे बहुत बेहतर है, सोफिस्टिकेटेड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इज मोर एक्यूरेट एंड लॉन्ग रेंजिंग। तो हम इसकी बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं आप जान की बात कर रहे हैं, इंडिया के पेट में दर्द नहीं है, इजराइल और अमेरिका को भी मरोड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम क्यों सॉफ्ट हैं, यानी हमारी जो स्टेट है, देखें हुकूमत एक तरफ होती है, स्टेट भी एक परमानेंट अदारा होता है, हुकूमतें आती जाती रहती है, हमारी स्टेट को नरम कर दिया गया है, सॉफ्ट कर दिया गया है, इसमें उंगली ऐसे करें तो उंगली 6 इंच इंडिया की आगे चली जाती है, आपके पेट में हमारे में चली जाती है। तो स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसमें पैमरा है, जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री है, यानी यू नेम इट, ये अदारे ढाल बन जाएं, हसार बना लें, किला बना लें और इंडिया की हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब ना दें बल्कि 10 गुना बड़ा जवाब दें। जंगे सारी जनाब लफ्जों की होनी है, मिलिट्रियों की जंग नहीं होनी, फौजों की, तो जो ये जंग वो जंग हम जीत जाएंगे अगर कहीं हुई खुदा ना खासा, तो नुकसान तो सबका होगा, ये जंग हमें जंग हम हार रहे हैं। बगैर साहब, सुषमा स्वराज के बयान के ऊपर मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। देखिए, सुषमा स्वराज का बयान जो है वो हमेशा हकायक से इनहराफ होता है, सुषमा स्वराज का बयान हमेशा एक्सट्रीमिस्ट होता है, सुषमा स्वराज का बहुत ज्यादा ताल्लुक है बीजेपी और आरएसएस से, सुषमा स्वराज का बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने जो बयान देना है वो बयान वो देना है जो पाकिस्तान को वो कहे, और दूसरे उसने बहुत अरसा टीवी पे 7 करोड़ किया, तो वो उसने सासों वाला बयान देना है जो आग लगा देगा, तो हमें पाकिस्तान में उसके बयान का को हकायक की नजर में उसको आगे बना के पेश करना है। देखिए, मैं एक बड़ी बात करूंगा, ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के एक डायरेक्टर जनरल है, यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उसने आज से 10 साल कोई अपना 2000 में एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसमें उसने कहा था कि भारत के अंदर जो 11 इंसानियत सोज लॉज लगे हुए हैं, अपना आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है,
कोटा है, जे एंड के पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, जे एंड के सिक्योरिटी एक्ट है, इस तरह के 11 एक्ट हैं जो भारत की आर्मी को ये इनिशिएटिव देते हैं कि वो लोगों को मारे, कत्ल करे, अस्मत दरी करे, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हमें वो उस चीज को रेफर करना चाहिए कि हम जब आपको कह रहे हैं कि यहां इंसानियत की तस्दील हो रही है, तो ये तो यूएन की सेक्रेटरी जनरल, यूएन में ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उन्होंने पहले। दूसरी बात यह है, बहुत बड़ी बात आपको जो पॉइंट आउट करनी है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशंस के फौजी मौजूद हैं, भारत ने निकाल दिए हुए, और ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस की फौज है, ये इंडिया पाकिस्तान को कंप्राइज करती है। तो इन हकायक के ऊपर जो ऑलरेडी मौजूद हैं, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जेनिवा कन्वेंशन, अपना फोर्थ कन्वेंशन 1949 की रेजोल्यूशन आर्टिकल 3 की, उसके बाद आईसीआरसी का 156 का रेवोल्यूशन, ये बता देता है कि इंडिया में मोदी जो कर रहा है और जो फौज करी, दे आर इन्वॉल्व इन वॉर क्राइम, एंड सिमिलरली सुषमा स्वराज जो कुछ सपोर्ट करने की रही, शी कैन ऑल्सो बी हॉल्ड अप इन द वॉर क्राइम, जैसे दुनिया में इससे पहले होता रहता है। तो पाकिस्तान को यह मुकदमा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जाना चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मेहमानों की, जैसा मैंने कहा था इब्तदाई में कि दोनों कन्विक्शन के साथ कश्मीर के इशू को लेके, पाकिस्तान के कॉज को लेके बोलते हैं और बबागे दोहल बोलते हैं, और यही वजह है कि मैं अक्सर ख्वाहिश रखता हूँ दिल में कि मेरे हर प्रोग्राम में ये हजरात जो है वो शरीक हों, ताकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आगे जा सके। हमने जो गुफ्तगू की उसके बाद, उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए नुमाइवत ग्रुप या उसके अखबारात के बारे में जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। ये वक्त है अभी भी उनके लिए कि वो ये बात वाज़े तौर पे समझ लें कि कश्मीर हो खा पाकिस्तान हो, हमारा सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान है और हम उन्हीं की कॉज को लेके आगे बढ़ेंगे। हमें ना कहीं से फंडिंग चाहिए, ना हमें कहीं से वो रवाबत चाहिए जिसके नतीजे में लोग बसंती साड़ियाँ पहन के वहाँ जाएँ या ताइफों की सूरत में वहाँ जाके पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।